इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट ने क्या बोला था देख सकते हैं, मैं आपको, सर मेरा दोस्त का 9 मार्च को है। अब मैंने इससे पूछा भाई आपका दोस्त का अगर 9 मार्च को है तो आप अपना पर्सनल डिटेल भेज सकते हैं, जैसे प्लीज सेंड योर कॉन्टैक्ट नंबर, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी मांगा था और इससे अपना डिटेल भी मांगा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो डिटेल इसने कुछ भी नहीं भेजा, इसके बाद में मैं आपको दिखा देता हूं और भी बहुत सारे कैंडिडेट है। तो फ्रेंड्स ये आपके द्वारा फॉर्म फिलाई गई थी, इसमें देख सकते हैं सर मेरा 12 मार्च को पटना में थर्ड शिफ्ट में एग्जाम है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स एसएससी जीडी भर्ती 2024 की आंसर की को लेकर बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं कि सर इसकी आंसर की है वो कब तक रिलीज हो जाएगी और कब हम अपने मार्क्स चेक कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स जितना भी आंसर की को लेकर जो डाउट है आज वो सारा डाउट इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाला है, बस वीडियो आपको पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, और अभी तक आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे भर्ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अभी क्या हो रहा है कि जो एसएससी जीडी की जो आंसर की है इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ क्या आपको दिखा दे रहा है। जो अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले एसएससी ने अपनी एक लिंक जारी की थी, एसएससी ने अपनी एक लिंक जारी की थी और लिंक जारी करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा था। इसके अंदर आप जब भी अपना रोल नंबर डाल देते हैं और अपना पासवर्ड, पासवर्ड के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सर पासवर्ड क्या डालें। तो फ्रेंड्स पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, जैसे मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2001, तो आपको यहां पर क्या डालना है 1/01/01/2001। इसी प्रकार आपको अपना यहाँ पर पासवर्ड डालना है। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट अपना रोल नंबर भी डाल रहे हैं, पासवर्ड भी डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन करने के बाद उनको क्या दिखाई दे रहा है, वहां पर उनको अपनी जो पर्सनल डिटेल है जैसे उनका एग्जाम का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और उनका नाम, यही सब दिखाई दे रहा है, आंसर की वो चेक नहीं कर पा रहे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं अभी ये क्या हुआ, ये लिंक जनरेट हुई है। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट है कि सर आंसर की कब तक आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आंसर की को समझने के लिए आप एक बार ध्यान से देखिएगा, जब भी कोई आंसर की आती है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यहां पर, जैसे अभी 2022 की वैकेंसी गई थी 2022 की एसएससी जीडी की, जिसके अंदर लगभग 50,000 के करीबन आपकी पोस्ट थी। इसके अंदर हुआ क्या कि एग्जाम आपका कब हुआ था, 10 जनवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच में आपका यहां पर एग्जाम हुआ था और आंसर की कब आई थी 18 फरवरी, मतलब लगभग 5 दिन के अंदर एसएससी ने एसएससी जीडी की जो आंसर की थी 2022 की वैकेंसी की वो यहां पर रिलीज कर दी थी और यहाँ पर कैंडिडेट अपना आंसर की चेक कर पा रहे थे। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ था, जैसे 13 फरवरी को एग्जाम खत्म हुआ था और 14 फरवरी को यहाँ पर एक लिंक जनरेट कर दी गई थी एसएससी जीडी के लिए, तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट उसी समय बहुत ज्यादा परेशान भी हो गए थे। और फिर क्या हुआ था, 18 फरवरी को मतलब 5 दिन बाद में वो लिंक एक्टिव कर दी गई थी ताकि कैंडिडेट अपना आंसर की चेक कर पाए। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार मैं आपको बता देता हूँ ये अभी जो 2021 की वैकेंसी है आपकी, सॉरी 2024 की जो वैकेंसी है इसके अंदर भी ऐसा ही हो रहा है, मतलब सबसे पहले आपकी लिंक जनरेट होगी। अभी यहाँ पर 5 दिन भी नहीं हुआ है, लगभग 8 तारीख को आपकी लिंक जनरेट हुई थी और आज हो गया लगभग 11 तारीख, यानी अभी यहाँ पर 3 दिन हुए मात्र, और 3 दिन के अंदर ही बहुत सारे कैंडिडेट बोले कि सर आंसर की चेक कैसे कर पाएंगे, कैसे हम अपने आंसर की देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी वेट कीजिए, लगभग आंसर की जैसे लास्ट डेट आपका 7 मार्च, 7 मार्च के बाद से लगभग आपको 5 दिन तो इसमें जोड़ना ही पड़ेगा, 5 दिन का वेट आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि तभी आपका यहाँ पर आंसर की आ पाएगा। 5 दिन यानी माने लगभग 12 मार्च तक आपका कंफर्म आंसर की आप अपना देख पाएंगे ऑफिशियल तरीके से। अब कहां से देख पाएंगे, तो या तो आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर से चेक कर पाएंगे या फिर जो हमने हमारी एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी आप चेक कर पाएंगे। मैं आप एक बार आपको दिखा देता हूं कि जैसे कोई भी आंसर की आती है, जैसे यहां पर अभी क्या आपको यही देखने को मिल रहा है, तो ये लिंक है वो लिंक आपको ये देखने को मिल रही है। अब इसके बाद में क्या प्रोसेस होगी, इसके बाद में आपको इस प्रकार की प्रोसेस देखने को मिलेगी। ये क्या है, ये किसी वैकेंसी का है, एसएससी की वैकेंसी का है जिसके अंदर आंसर की डेट डाली गई थी और समय भी डाला गया था। इसी प्रकार क्या है, जो आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी है 2024 की, इसके अंदर भी अभी तो लिंक तो आपकी डाल दी गई है, लिंक अभी डाल दी गई है, लिंक डालने के बाद में इस प्रकार का टाइम भी डाला जाएगा, ये आप देख लेना। जैसे ही अगर आपको उस वेबसाइट के ऊपर, जैसे अभी मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे ये इस वेबसाइट के ऊपर नीचे इस प्रकार की यहाँ पर लाइन लिखी होगी और टाइम भी आपको बताया जाएगा, तब से आप अपना आंसर की देख पाएंगे। अभी यहाँ पर क्या आपकी लिंक जनरेट होगी, लिंक जनरेट होने के बाद आपको टाइम बताया जाएगा, तो अभी वेट कीजिए, घबराइए मत, आंसर की आ जाएगी, सभी की आंसर की आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या है, अभी आपको जैसे एसएससी जीडी 2024 है तो यहाँ पर वैकेंसी का जैसे आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर क्या बताया जाएगा कि लगभग 12 तारीख से लेकर 12/3/2023 से लेकर आप अपना यहाँ पर 16/3/2023 तक अपना आंसर की यहाँ पर देख पाएंगे, इस प्रकार से यहाँ पर लिखा होगा, तब आप अपना आंसर की देख पाएंगे। ऐसे अभी यहाँ पर आंसर की इतनी जल्दी नहीं आएगी, बहुत सारे कैंडिडेट कल भी वेट कर रहे थे, कल भी मेरे को मैसेज कर रहे थे। तो फ्रेंड्स कल तो वैसे भी आपका संडे था, बहुत कम चांस रहता है कि संडे के दिन आपकी आंसर की जारी हो, क्योंकि डिपार्टमेंट के सारे काम बंद होते हैं, डिपार्टमेंट बंद रहता है उस दिन आपके आंसर की आने का बहुत कम चांस होता है। लेकिन आज 11 तो बहुत सारे कैंडिडेट बोले कि सर आज आप जो एसएससी जीडी की आंसर की आएगी या नहीं आएगी, तो फ्रेंड्स बहुत कम चांस है अगर आज आंसर की आती है, क्योंकि लगभग आंसर की आपकी 12 तारीख के बाद ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और सबसे पहले आपको इस प्रकार का समय भी देखने को मिलेगा, समय आएगा तभी आप अपने आंसर की यहाँ पर देख पाओगे। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे सर आंसर की कैसे देख पाएंगे, तो फ्रेंड्स आंसर की के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो हमारी एप्लीकेशन है
आपको प्ले स्टोर के अंदर जाना है, प्ले स्टोर के अंदर यहां पर सर्च करना है आंसर की चेकर। जैसे आप आंसर की चेकर सर्च करोगे इस प्रकार की एप्लीकेशन आपको मिलेगी। यहां पर आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन को आपको अपडेट कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स, अपडेट कर लेना अगर पहले से आपके पास है तो, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद जैसे आप अपना यहां पर इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जैसे आप इसके अंदर अपना रोल नंबर डालोगे, अपना यहां पर डेट ऑफ बर्थ डालोगे, तो यहां पर क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट है वो एक ही क्लिक के अंदर आ जाएगा। आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, नहीं आपको नेगेटिव मार्किंग निकालने की जरूरत है। आपका रिजल्ट, सारा रिजल्ट एक ही क्लिक के अंदर आएगा, कितने नंबर बने, कितने अटेम्प्ट किया, कितने क्रेडिट किया, कितने अनक्रेडिट किया और कितने अनअटेम्प्ट किए, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में अगर आप अपना ऑल इंडिया रैंक देखना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन से देख सकते हैं, ताकि आपको कट ऑफ का एकदम सटीक अंदाजा लग सके। इसके साथ साथ अभी हमने इसके अंदर अपडेट भी कर दिया है, आप अपना स्टेट वाइज रैंक भी अपना इसके अंदर चेक कर पाएंगे, ताकि आपको पता चले कि जैसे आप राजस्थान से या एमपी, बिहार, यूपी से, किसी भी स्टेट से, आपको अपना एक सटीक कट ऑफ का अंदाजा रहेगा, क्योंकि आंसर कीज का बहुत सारा डेटा उसके अंदर रहेगा, ठीक है। तो यहां पर एप्लीकेशन इसको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर अपना जैसे आप रिव्यू भी कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। जैसे आप अपने आंसर की चेक करोगे तो आंसर क्यू के अंदर जैसे इस प्रकार दिखाई देगी आपको, और अपना रिव्यू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ग्रीन है तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका सही है, अगर रेड है तो रेड वाला क्वेश्चन आपका गलत होगा। यहाँ पर आपको पूरा 80 क्वेश्चनों का रिव्यू आप कर सकते हैं कि कौन सा आपने स्किप किया था, कौन सा आपने राइट किया, कौन सा आपने रॉन्ग किया, सारे क्वेश्चनों का यहाँ पर आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, आंसर भी चेक कर एसएससी एंड ऑल, ठीक है। इस प्रकार की एप्लीकेशन है और यहाँ पर अभी बहुत सारा इसको देख सकते हैं, रेटिंग भी आपकी 4.6 की यहाँ पर रेटिंग है। तो ये आंसर की है, मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप प्ले स्टोर से सीधा भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट का यही डाउट था कि सर आंसर की कब तक आएगी, एक वीडियो बनाएगी हमारे को बताइए। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी है जो बहुत ज्यादा गुमराह कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर क्या किया था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ अपना यूट्यूब चैनल खोल के। यहाँ पर हमने क्या किया था, कुछ दिन पहले हमने क्या किया था कि जैसे बहुत सारे कैंडिडेट बोले कि सर हमारा 12 मार्च को भी एग्जाम है, तो हमने आपकी सुविधा के लिए एक पोस्ट डाली थी, मैं आपको वो पोस्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर कुछ ये अपवाद टाइप के लोग हैं। मैंने यहाँ पर क्या डाला था आप ध्यान से देखेगा, मैंने यहाँ पर डाला था कि एसएससी जीडी भर्ती 2024 जिन भी भाइयों का 7 मार्च के बाद में एग्जाम है, क्योंकि यहाँ पर आपने ये कंफ्यूजन किया था कि सर हमारा 11 मार्च को है, हमारा 9 मार्च को है, हमारा 12 मार्च को है। तो इसमें हमने क्या डाला कि जिन भी कैंडिडेट का 7 मार्च के बाद एसएससी जीडी का एग्जाम है, प्लीज वो अपना एडमिट कार्ड नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजे, ताकि सभी लोगों का डाउट दूर हो सके, और अपना एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया था। तो अब यहाँ पर क्या हुआ था देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कमेंट, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये बोल रहा है सर मेरा 40 तारीख को है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है सर 7 मार्च का एग्जाम खत्म थे, और एक कमेंट में आपको और दिखा देता हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर बोल रहे सर मेरा 13 को है। अब देख सकते हैं मैं एक बार और दूसरा भी एक बार पोस्ट डाला था, इस पोस्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर 73 कमेंट है। इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट क्या बोला था देख सकते हैं, मैं आपको सर मेरा दोस्त का 9 मार्च को है। अब मैंने इससे पूछा भाई आपका दोस्त का अगर 9 मार्च को है तो आप अपना पर्सनल डिटेल भेज सकते हैं, जैसे प्लीज सेंड योर कॉन्टैक्ट नंबर, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी मांगा था और इससे अपना डिटेल भी मांगा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो डिटेल इसने कुछ भी नहीं भेजा। इसके बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ और भी बहुत सारे कैंडिडेट है। तो फ्रेंड्स ये आपके द्वारा अफवाह फैलाई गई थी, इसमें देख सकते हैं सर मेरा 12 मार्च को पटना में 3rd शिफ्ट में एग्जाम है। तो फ्रेंड्स कौन है ये कैंडिडेट, कहाँ से आते हैं, बोलते हैं कि सर मेरा लगभग 12 मार्च को है, मेरा 9 मार्च को है, तो यह कंफ्यूजन आप ही के द्वारा जारी किया गया है, आप ही के द्वारा किया गया है। फिर हम इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, आप हमारे को बोलते हो कि सर आप फालतू के वीडियो बना रहे हो बार बार, आप हमने बता दिया कि लगभग 7 मार्च को एग्जाम खत्म हो गया, आप बोल रहे हैं 12 मार्च को। तो फ्रेंड्स यहां पर 12 मार्च आप ही के द्वारा बताया गया है, ये आप देख सकते हैं, तभी हमने वीडियो बनाया, 12 को लास्ट है, ये देख सकते हैं। बहुत सारे कमेंट है यहां पर इस पोस्ट के अंदर, बहुत सारे